और नाले का भी कुछ पता होता नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत चल रहा है। और यहाँ की सरकार भी वैसे ही है, समझिए किसी को क्या ही कह सकते हैं, मान के चलिए जो है सो ठीक ही है। और ये देखिए, मैं आप देखिए, ये देखिए धान का जो बिया है दोस्तों, देख सकते हैं ये कैसा हो, लग रहा है सूख रहा है बिया, बताइए। हमारे तरफ चले जाइए, खेती वगैरह स्टार्ट है, उधर देखिए बिया का हालत, देखिए क्या हालत है इसमें। तो पानी के लिए सूख रहा है भगवान का। और कुछ दोस्तों गांव का नज़ारा ये है, देख सकते हैं इधर सब छोटे छोटे भाई हैं, सब आए हुए हैं हमारे साथ, सब लोग ब्लॉग में शामिल हो लगे, सब लोग आए थे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो है दोस्तों आज हमारा ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी मैं बिहार में हूँ और बिहार का जो है हरियाली, खेत खरिहान जो होता है, आज सभी को फिर से दिखाने वाला हूँ दोस्तों। बहुत दिनों बाद आज बिहार में आ चुका हूँ और कोशिश कर रहा हूँ सभी को आपको बिहार की क्या स्थिति है इस समय पे, क्या खेती बाड़ी का माहौल है दोस्तों, दिखाऊंगा। तो वीडियो में बन रही है, आगे चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं खेत खलिहान का क्या। तो भाई देख सकते हैं दोस्तों, यही सब मेरे छोटे छोटे भाई हैं सब, और सभी लोग तनी बार हालो बोलो, सब लोग हालो बोलो। तो चलिए आगे दोस्तों, दिखाते हैं वीडियो में आप सभी को। और देखिए अभी हम लोग खेत खलिहान के इधर तरफ हैं, अभी देखिए खेत हरियाली वगैरह है, और आगे वीडियो में बने रहिएगा, आगे चल के दिखाते हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार से दोस्तों, अभी यहाँ पे कितना सूखा पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी यहाँ पे पानी का जो है दिक्कत है दोस्तों। देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक जो है पानी का कोई नामो निशान नहीं है। देख सकते हैं हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा जो है, यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रहा है। बनारस वनारस हमारे क्षेत्र में चले जाइए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, हर रोज़ बारिश हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत स्थिति ख़राब है बिहार की, और मैं सोच रहा था क्यों ना आप सभी को एक बार दिखाया जाए कि यहाँ पे कितना दिक्कत है और कितना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे दोस्तों पानी का। यहाँ पे जो देख सकते हैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ दोस्तों, कितने दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। देख सकते हैं आप कितने दूर दूर तक पानी भी दिख नहीं रहे हैं। और ये देखिए सब बुतरू जो है इधर सब मस्ती कर रहे हैं सभी लोग, और देखिए कितना हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग का कुछ देर में लिट्टी चोखा पार्टी भी होने वाला है, बिहार का बहुत फेमस है लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा पार्टी भी हम लोग करने वाले हैं। और तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग खेत में चल रहे हैं और बहुत यहाँ पे सूखा पड़ गया है दोस्तों। अभी पानी का क्या बताऊँ आप सभी को, पानी का बहुत नामो निशान नहीं है। पानी यहाँ पे तो बिल्कुल पानी का पता ही नहीं है कि खेत में पानी मतलब क्या होता है, भगवान लगता है यहाँ पानी बरसना ही भूल गए हैं। और स्थिति इस टाइम ये है, अभी धान का टाइम है दोस्तों, और धान का खेती इस समय होता है, और मैं क्या ही कहूँ यहाँ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रहा है इसमें। यहाँ पे खेती बाड़ी का स्थिति ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे जितने भी किसान हैं सब बहुत परेशान हैं, किसान यहाँ पे रो रहे हैं समझ लीजिए दोस्तों। और खेत का तो पूछिए मतलब, इससे लग रहा है कि गेहूं के टाइम पर दोस्तों क्या ही कहूँ, यहाँ का स्थिति जो है बहुत ख़राब है बिहार का। इसमें जो अभी मैं दिखा रहा हूँ धान का बिया जो है डाला गया है, और धान के बिया का क्या स्थिति है मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। स्थिति इसमें देखिए कि जो है, देख सकते हैं मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए क्या स्थिति है दोस्तों, ये है बिया, बताइए ऐसे धान का जो है बिया होगा, बताइए क्या ये विकास करेगा, बताइए। इसमें देखिए पानी का कुछ पता ही नहीं है, बारिश यहाँ पे बारिश तो बस हो ही नहीं रहा है कि यहाँ पे बारिश क्या होता है, बारिश को किसी को पता ही नहीं कि बारिश होता क्या है। और कुछ दोस्तों गांव का नज़ारा ये है, देख सकते हैं इधर सब छोटे छोटे भाई हैं, सब आए हुए हैं हमारे साथ, सब लोग ब्लॉग में शामिल हो लगे, सब लोग आए थे। और बहुत गाँव में स्थिति जो है यहाँ पर बहुत दिक्कत चल रहा है, जो कि तमाम खेत देख रहे हैं, सब खेत जो है यहाँ पे सूख गया है। फिर उसका देखिए खेतों का देखिए नज़ारा, देखिए लग रहा है जैसे कि गर्मी का टाइम का खेत है। तो जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, और इस टाइम पे दोस्तों बरसात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बरसात का कोई नामो निशान नहीं है समझिए। और दोस्तों ये इस साल का ही प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में हर साल का प्रॉब्लम है। यहाँ पर नहर नाले का भी वही दिक्कत है जैसे हमारे तरफ है यूपी में, कि नाले वगैरह बहुत सारे होते हैं जिससे हम लोग खेती वगैरह कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं नाली और नहर नाले का भी कुछ पता होता नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत चल रहा है। और यहाँ की सरकार भी वैसे ही है, समझिए किसी को क्या ही कह सकते हैं, मान के चलिए जो है सो ठीक ही है। और ये देखिए मैं आप देखिए, ये देखिए धान का जो बिया है दोस्तों, देख सकते हैं ये कैसा हो, लग रहा है सूख रहा है बिया, बताइए। हमारे तरफ चले जाइए, खेती वगैरह स्टार्ट है, उधर देखिए बिया का हालत, देखिए क्या हालत है इसमें। तो पानी के लिए सूख रहा है भगवान का नज़ारा, देखिए क्या है मौसम, एकदम साफ है। यूपी में दोस्तों धान वगैरह खेती हो गया है, हमारा भी खेत है, हम लोग भी खेती वगैरह कर चुके हैं, धान उन सब हमारा रोपा गया है, खेती वगैरह हो गया हमारा। और दोस्तों
लाइफ स्टाइल ब्लॉग दिखाता हूँ। जो भी वीडियो में नए हैं दोस्तों, वीडियो में कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके सपोर्ट से मेरे सब्सक्राइबर हर रोज़ कुछ ना कुछ बढ़ते ही हैं, और आगे भी दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत कुछ दिखाऊंगा, भी कोशिश है। अभी तो मेरा नया नया चैनल है, इसके वजह से इतना कुछ ज़्यादा नहीं कंटेंट डाल पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा दोस्तों आगे की बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट डालूँ। अभी उतना अच्छा अच्छा कंटेंट डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे बहुत सारा वीडियो दिखाऊंगा, आप सभी को बहुत कुछ दिखाऊंगा वीडियो में। और भाई है, देखिए अपना जो है धान का बीज जो है देखने के लिए गया है, वीडियो वगैरह बना रहा है कि मतलब घर पे जाके दिखाएंगे क्या स्थिति है। और वाकई में दोस्तों यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है, बिया का जो है बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब है, मैं क्या ही कहूँ, देख के मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती है, और इसके वजह से कुछ बोल भी नहीं सकते। और देख भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसकी हालत क्या है, पूरा मरने के हालत में, बताइए। इसको पानी अभी नहीं मिलेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। और दोस्तों शाम का टाइम है और काफ़ी हरियाली है, मतलब गांव में जो देखिए जो दोस्त सुकून गांव में है वो शहर में नहीं है, मैं शहर में ही रहता हूँ बनारस। और जो जब मैं गाँव में आता हूँ दोस्तों, बहुत मेरे को अच्छा लगता है, गाँव का जो है मतलब जो गांव का जो है हवा पानी होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और एक अलग ही मज़ा होता है गांव में आने का। और ये सब आते हैं तो इस सब छोटे छोटे भाइयों से मिलने का मौका मिलता है। और तो सभी लोग हाय करो, देखिए सभी भाई लोग हाय कर रहे हैं आप सभी को। और गांव का एक अलग ही जो खुशबू होता है वो शहर में नहीं मिल सकता, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए दोस्तों, लेकिन जो गाँव में मज़ा है वो नहीं, कहीं भी मज़ा नहीं है, इतना तो जान लीजिए। अगर आप शहर में रहते हैं आप एक बार गांव में ज़रूर आइए, नहीं आ सकते तो आप हमारे गांव आइए, कमेंट करिए, मैं आपको अपने गांव लेके आऊँगा, घुमाऊँगा। गांव का जो मज़ा होता है दोस्तों बहुत ही प्यारा होता है, और गांव में जो चीज़ मिलती है, गांव की जो मिट्टी की खुशबू है वो शहर में नहीं मिल सकती। और मुझे पता है ज़्यादातर मेरे ब्लॉग जो है मेरे करीबी लोग ही देखते हैं ज़्यादातर, जैसे जो गाँव से जुड़े हुए हैं, और शहरी लोगों के पास बहुत कम मेरा ब्लॉग पहुंच पाता है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग नहीं आ पाते, हम दिखाएंगे आप सभी को गांव का नज़ारा। और अक्सर करके हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे कितना भी पैसा कमा लें, रहना तो एक दिन इसी मिट्टी में रहना है, तो गांव की हरियाली को कभी मत भूलिए, हमेशा याद रखिए। और देखिए कितना जो समय, देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा अच्छा लग रहा है, देखिए गाँव का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत जो है गांव का नज़ारा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं गांव का नज़ारा कितना प्यारा दृश्य है। और यह है मोटू पतलू, ये छोटा भाई है, और ये सब भी मेरे साथ आए थे घूमने के लिए खेत में, और बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ आके, बहुत ही मज़ा आया। और मेरा समोसा लगता है वहीं पर छूट गया है, अभी मैं जा रहा हूँ समोसा लेने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, और ऐसे ही आगे आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सभी को राम राम।